अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काफ़ी दिन हुए यूट्यूब पे आपसे गुफ्तगू नहीं हुई। अगर आपने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करा लें ताकि हमारा रब्ता जो है वो मुस्तकिल तौर पर आपस में रह सके। ये सबको मैं ये दोबारा भी कहना चाहूँगा कि मुझे अभी चंद दिन पहले ईद थी और काफ़ी सफ़र भी रहा इस दौरान और हालात भी बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बदल रहे हैं। इस सिलसिले में मैं पहले भी एक वीडियो में जो बातचीत की थी जिसमें मैं ये बताया था कि कुछ अफगान जो तालिबान हैं उनसे मुलाकात हुई थी और वो आए थे हमारे घर पे और उसमें से बहुत सी बातें जो हैं वो दुरुस्त निकली, जिसमें कि उन्होंने तुर्की के साथ अपने मामलात का जिक्र किया था जो अभी तक सेटल नहीं हुए और मुझे उम्मीद है कि तुर्की कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे कि तालिबान के और उनके दरमियान कोई आपस में चपलिश हो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो। इस सारे मसले के अंदर पाकिस्तान बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहा है, जिसमें कि खामोशी के साथ अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है, जिसमें कि तालिबान के जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं दोहा के अंदर वो सारी पाकिस्तान ने फैसिलिटेट करवाई हैं और तालिबान के साथ भी लाजमी बात है जिस तरह के दूसरे ममालिक का रबता है इसी तरह पाकिस्तान का भी रबता है और पाकिस्तान एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ये हम ऐसे दोराए पे खड़े हैं इस वक्त कि अगर हमने कोई ख़राब गलत डिसीजन लिया तो फिर एक मरतबा फिर हम जिनीवा एकॉर्ड की तरह बहुत पीछे चले जाएंगे और फिर कत्लो गारत शुरू हो जाएगा। इसी तरह से 9/11 के बाद भी बहुत जल्दबाजी में फैसला किया गया, जिस फैसले में हमारे पास शायद चॉइस नहीं थी लेकिन तरीक़ाकार हमारा गलत था कि हमने जैसे ही उन्होंने कहा कि या हमारे साथ हो या हमारे साथ नहीं हो तो हमने कहा जी हम आपके साथ हैं। थोड़ा सा हमें अगर उस वक्त हम तख़ीर से फैसला करते या पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड ले लेते या पब्लिक डिबेट करा के यही काम कर लेते तो बहुत अच्छे नतीजे निकले थे। उसके बाद अमेरिका के आने के बाद कुछ हमारी बेसिस भी इस्तेमाल हुई होंगी लेकिन उसके जो रिप्रिकॉशन हुए उसमें पाकिस्तान को 80,000 जानों का नुकसान हुआ और ये बड़ा एक मतलब अजीब सी बात है और बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, जिसमें हमारे बहुत से अफवाज पाकिस्तान के भी जो है वो लोग शहीद हुए और इसमें एक बड़ा अहम किरदार अदा किया हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। गुलबशन जदेब पकड़ा गया और उनके जो अजीत दोवल है उसने इस बात का इंकशाफ किया कि हम पाकिस्तान को जो है वो डिस्टेबलाइज करेंगे चाहे हमें कोई भी हरबा इस्तेमाल करना पड़े और उन्होंने वो हरबे इस्तेमाल किए हिंदुस्तान के अंदर से लेकर और अफगानिस्तान के अंदर। ऐसी ऐसी उन्होंने अपनी कौंसलेट्स खोली जहाँ पर के दहशतगर्दी के लिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा था, पैसे दिए जा रहे थे और उन्हें पाकिस्तान में अंदर भेज कर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही थी, चाहे वो हमारे प्राइम इंस्टॉलेशंस हो चाहे हमारे वो GHQ हो। तो ये सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया और उसके बाद फिर एक APS स्कूल पर हमला हुआ जिसके बाद हम सब ने मिलकर फैसला किया और बड़ा अच्छा फैसला किया। तमाम पार्लियामेंट्री लीडर्स ने बैठकर जो पार्लियामेंट के अंदर थे और बाहर थे के मुश्तरका तौर पर एक लायअमल बनाया जिसको नेशनल एक्शन प्लान कहा गया और फिर अफवाज पाकिस्तान ने एक क्लीन अप ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जिसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और दहशतगर्दी का पाकिस्तान से खात्मा हुआ। अब जो है वो अमेरिका वहाँ से जा रहा है और अमेरिका जाते जाते एक मरतबा फिर तमाम मसाइल जो है वो पीछे छोड़कर जा रहा है, ना कोई उसने आइंदा कौन सी हुकूमत होगी, क्या तालिबान का किरदार होगा, क्या उस जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ जिसके तमाम जो लोहाकिन हैं उनके जो करीबी अजीज़ वो कारब हैं वो मुल्क छोड़ के जा चुके हैं और 20,000 लोगों को सेंट्रल एशिया में रखा गया और 20,000 लोग जो सहूलत कार थे अमरीका के चाहे वो बगराम बेस पे काम कर रहे थे या कहीं इंटेलिजेंस पिकिंग कर रहे थे अमरीका के लिए उनको वो अमरीका ले गया और वहाँ की नेशनलिटी उन्होंने दे दी। अब इस वक्त जो है वो एक मरतबा अफगानिस्तान की हुकूमत ने ये अमेरिका पे दबाव डालने की कोशिश की, अशरफ गनी
और अब्दुल्ला अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा वक्त लेकर अमेरिका गए, जहां पर उनकी अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई और अमेरिकी सदर ने कहा कि आप अपने अफगानिस्तान के मसाइल खुद हल करें। यानी कि उन्होंने नहीं कहा कि हम अपनी फौजें कुछ अरसे के लिए छोड़ देंगे या आपकी मदद करेंगे, जिसके बाद से एक पैनिक क्रिएट हो गया और इसी दौरान तालिबान ने पेशरफ शुरू की, जिसमें कि 70-80% इलाका जो है वो तालिबान के कंट्रोल में आ गया और जो बाकी बचा है वहाँ पर वो पेशरफ कर रहे हैं और कुछ काबुल की हुकूमत उनको रोकने की कोशिश कर रही है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मैंने ये बात पहले भी की थी कि अफगान हुकूमत की अब पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान पे इल्ज़ाम की बुछाड़ की जाए, हिंदुस्तान को खुश किया जाए, अमेरिका को बावर करवाया जाए कि जो दहशतगर्दी हो रही है वो पाकिस्तान से हो रही है। जैसे कि हाल ही में अभी हिंदुस्तान ने इस बात को तस्लीम किया कि हमने पाकिस्तान को फैटफ में डालने के लिए, FATF में डालने के लिए हमने लॉबिंग की वहां पर और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। ये कोशिशें हो रही है हमारे तमाम दुश्मनों की हमारे खिलाफ और हम अपने दुश्मन अगर खुद बन जाए कि यहां पर जब कौमी यकजहती की जरूरत हो वहां पर हम डावाडोल हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी नहीं हो सकती। और मैं बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हाल ही में जो जुबान इस्तेमाल की गई, हाल ही में जो बयानात दिए गए, हाल ही में जो जलसे कर पाकिस्तान को बुरा भला कहा गया और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए गए, वो हिब्बतुल्ला मुहिब जो कि एडवाइज़र हैं नेशनल सिक्योरिटी के, वो आज से नहीं है, वो शुरू से ही पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और अमेरिका के CIA के लिए काम करते हैं और वो हिंदुस्तान के बहुत करीब हैं और उन्होंने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए। और हाल ही में जो जुबान इस्तेमाल की उन्होंने, मैं समझता हूँ कि ना वो डिप्लोमेटिक यानी कि नॉर्म्स के अंदर आती है, ना ही वो अपना क्या कहते हैं सफारती ताल्लुकात जो होते हैं उसके अंदर आती है, ना ही वो मुल्कों से मुल्कों के जो रिश्ते होते हैं चाहे वो कितने भी ख़राब हों, कभी इस किस्म की ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की जाती कि आप किस्म के अपने कपड़े जो है वो बाज़ार में उतारने शुरू कर दें और वो ज़ुबान इस्तेमाल करें जो आपको जेब नहीं देती, यानी जिस किस्म की आपने ज़ुबान इस्तेमाल की। फिर इस तमाम सिनेरियो के अंदर हम जहाँ पर कौमी यकजहती पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उस कौमी यकजहती से मैं ये बात करूँगा कि आज मैं हुकूमत की तारीफ करने पर मजबूर हूँ और वो इसलिए मैं हुकूमत की तारीफ करने पर मजबूर हूँ कि अपना जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड लिया इस बात पर कि एब्सोल्युटली नो का, और वो एब्सोल्युटली नो जो है वो तमाम पाकिस्तान के अवाम को पसंद आया कि हम अमेरिका को यहाँ बेसिस नहीं देंगे, ये एक बहुत बड़ा कदम था। और साथ ही उन्होंने कहा कि हम ना तो दहशतगर्द हैं, ना हम दहशतगर्दी करते हैं, ना हम अपने इलाके में दहशतगर्दी होने देंगे। इसी सिलसिले में हाल ही में जो ऐसे हमदुल्ला मुहिब से जो नवाज शरीफ की मुलाकात हुई लंदन के अंदर, ये कितना अफसोसनाक वाकया है। मैं समझता हूँ कि आप 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, माजी में भी आपने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की बातें कम मानी, आपने जो आपको इसी शख्स ने ब्रीफ किया, हमारे जिन लोगों को आपने अपना इनवॉय बनाकर वहाँ भेजा, मैं नाम लेने में उसमें कोई आ रहा नहीं मुझे, उसमें अचकज़ई साहब आपके बड़े करीब थे और आपने उनको कई मरतबा भेजा वहाँ अफगानिस्तान ताकि उनसे बात करें, और जब वो वापस आए तो वो लिस्ट लेकर आए जो उनको मुहैया की गई थी उनकी इंटेलिजेंस ने कि पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान की एजेंसियाँ ये कर रही हैं। और फिर वज़ीर आज़म होते हुए भी आपने हमारी एजेंसियों से इस बात का तकाजा किया कि ये चीज़ें आप कर रहे हैं वहाँ पर। और एक मरतबा अगर मैं कह सकूँ तो जो ट्राईलेटरल मीटिंग हुई थी जिसमें कि तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान था, जिसमें जनरल रहील शरीफ गए हुए थे और हमारे DG ISI थे और इसी तरह वहाँ से भी उनके सदर आए हुए थे और उनके साथ उनके इंटेलिजेंस का हेड था, और पहले तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की मीटिंग हुई और बाद में तुर्की और पाकिस्तान की मीटिंग हुई। तो जब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे पाकिस्तान पे तो आप खामोशी से वो तमाम इल्ज़ाम सुन रहे थे, आपने उसे काउंटर नहीं किया। तो बाद में हमारे जो इंटेलिजेंस के हेड थे उन्होंने उसको
काउंटर किया और रहीम शरीफ साहब भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे और उन्होंने भी फिर उनको बताया कि जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है और ये इल्ज़ाम तराशी है और ये इल्ज़ाम है जो आप हम पे लगा रहे हैं। अब इस सिलसिले में के चंद दिन के अंदर अंदर जब ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लग रहे हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ एक गलीज किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और आप लंदन में यानी कि जहाँ पर आप पाकिस्तान से वहाँ गए एक गारंटी देकर कि आप वापस आ जाएंगे, आप वापस भी नहीं आए और आपका स्टेटस इस वक्त क्या है वहाँ पर? आपने कोई फॉरेन ऑफिस को, कोई एम्बेसी को, किसी को ऑन बोर्ड नहीं लिया और आप उनके साथ बैठकर एक आपने तस्वीर चाय कर दी। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जो काम आप चाहें मुझसे करवा लें, चाहे वो पाकिस्तान के हक में हो या पाकिस्तान के खिलाफ हो, और आपने इस सिलसिले में किसी को एतमाद में नहीं लिया, अपनी जमात को एतमाद में नहीं लिया, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं चाहूँ तो मैं पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। और फिर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की अपना आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कैंपेन के दौरान, कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब तो ये डिप्लोमेसी का आर्ट है कि आप हर किस्म के लोगों को मिलते हैं। भाई ये कौन सी डिप्लोमेसी है और आप किसके लिए कर रहे हैं? आप इस वक्त ना मेंबर हैं कौमी असम्बली के, ना आप वज़ीर आज़म हैं, ना आप का कोई ऐसा स्टेटस है पाकिस्तान के अंदर कि अपनी पार्टी के ही सदर हों आप, ना आप अपनी पार्टी के सदर हैं। हाँ एक वो जो आपको आप कहते हैं कि आप कायद नहीं है, लीडर नहीं है, कायद नहीं है, आप इमाम हैं, जो आपकी पार्टी के लोग आपको इमाम खुमैनी से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा इस वक्त कि जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब से, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, क्योंकि मुझे आपके साथ हमदर्दी, हमने बहुत अरसा एक साथ काम किया है, लेकिन जब बात आ जाएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान की सलामती की, पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान की आज़ादी की, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की और अफवाज पाकिस्तान की, जिसको कि आपने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए, जो जब मैंने उसका जवाब भी दिया था और आइंदा भी ऐसे मामलात में हम जवाब देते रहेंगे, मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूंगा यहाँ पर। नंबर वन, जो आपकी मुलाकात हुई है, अगर आपके पास उसकी कोई ट्रांसक्रिप्ट है, आप कौम के सामने रखें और आप कहें कि मैंने उनसे, उन्होंने मुझे कहा कि हम पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहे थे तो मैंने उन्हें रोका इस बात से, या वो आप हमें दिखा दें, या आपकी कोई रिकॉर्डिंग है आप वो हमें दिखा दें, या किसी ने कोई मिनट्स आपके लिए होंगे, क्योंकि आपके साथ आपके वो मशीर बैठे हुए थे जो आपके किचन कैबिनेट के थे, तो आप कोई ऐसी चीज़ कौम को बताएं ताकि कौम को आप पर इतमाद आए, क्योंकि इससे आपकी ज़ात को, आपके स्टेटस को, आपके ओहदे को और आपकी पार्टी को बेहद नुकसान होने का खदशा है। और जो समझदार लोग हैं वो समझ चुके हैं कि जो तमाम गेम खेल खेला जा रहा है इसके पीछे क्या है। बहुत शुक्रिया।